आपका मेरे YouTube चैनल रमा कंप्यूटर एडुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम MS Word के कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। जैसे मानिए हमने कोई टेबल बनाया हुआ है और पहले कॉलम में हमने नंबर एंट्री की हुई है, अब हम इस नंबर्स को दूसरे कॉलम में शब्द में लिखना चाहते हैं, वर्ड में लिखना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ दूसरे कॉलम में F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू लिखकर, अगर दो कॉलम है तो इस कॉलम को हम क्या बोलेंगे A1, ए कॉलम है इसको क्या बोलेंगे B कॉलम, और इस सेल को हम क्या बोलेंगे A1। तो हम क्या लिखेंगे A1 फॉरवर्ड स्लैश स्टार मल्टीप्लीकेशन का सिंबल कार्ड टेक्स्ट, और कहीं भी हम बीच पर क्लिक करके राइट बटन क्लिक करेंगे और अपडेट फील्ड को पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसको क्या करेगा शब्द में लिख देगा, यानी इधर अंक में हो जाएगा इधर शब्द में। इसी प्रकार अन्य नंबर्स को भी हम क्या कर सकते हैं शब्द में लिख सकते हैं। अब सपोज करिए हमको MS Word में कैश मेमो तैयार करना है, एक्सेल में तो तैयार करना आसान है लेकिन अगर हमको वर्ड में तैयार करना है तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेंगे डेट पार्टिकुलर क्वांटिटी डेट यूनिट और अमाउंट का। अब यहाँ पे हम लिख देंगे डेट, इसमें हम लिख देंगे पार्टिकुलर क्वांटिटी क्वांटिटी रेट यूनिट और यहाँ पे अमाउंट, लेकिन जो रो की संख्या हमको और ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे टैब प्रेस करके अपने रो की संख्या को और आवश्यकता अनुसार बढ़ा लेंगे। अब चूंकि डेट वाला कॉलम थोड़ा पतला होता है और पार्टिकुलर वाला विवरण वाला कॉलम चौड़ा होता है तो अपने हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई को हम क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैश मेमो की तरह स्ट्रक्चर बन गया, हम चाहे तो उस पर ऊपर फर्म का कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। अब इसको हमको क्या करना है मर्ज करना है, चाहे इसको हटाना है, बीच के जो कॉलम्स लाइंस हैं इनको हटाना है तो हम क्या करेंगे इरेजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब संपूर्ण योग। अब ये मानिए हमने शर्ट खरीदा, कितने की कितना पीस, मानिए हमने 500 पीस खरीदा, एक पीस का दाम है 700 रुपये और यहाँ पे यूनिट क्या है इकाई क्या है पीस है और अमाउंट हम ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या प्रेस करेंगे कंट्रोल और F9 प्रेस करेंगे इक्वल टू। देखिए अगर ये हो गया ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम, ये डी कॉलम तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे C2 और इस सेल को क्या बोलेंगे D2, तो हम लिखेंगे C2 मल्टीप्लिकेशन D2 और हम क्या करेंगे F9 प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। इसी तरह मानिए हमने टी शर्ट खरीदा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टी शर्ट और यहाँ पे मानिए हमने 200 पीस खरीदा, एक पीस का दाम है 650 रुपये, यहाँ पे यूनिट हो गए 20 और यहाँ पे अमाउंट हो गया, यहाँ भी हम क्या करेंगे F9 प्रेस करेंगे और इक्वल टू इस सेल को हम क्या बोलेंगे C3 और इस सेल को D3 स्टार D3। अब कंट्रोल के क्या करेंगे F9 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे अब नीचे हमको ग्रैंड टोटल ज्ञात करना है कितना हुआ ग्रैंड टोटल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इंसर्ट में जाएंगे और क्विक पार्ट पे आ जाएंगे, क्विक पार्ट यहाँ पे जाएंगे तो फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे फार्मूला पर क्लिक करके सम लिखेंगे और बीच में एबव लिख कर ओके कर देंगे, यहाँ पर पूरा जोड़ के हमको बता देगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन वाला कार्य भी वर्ड में भी कर सकते हैं। अब अगले ट्रिक्स के रूप में
माने हमको यहाँ पे टाइम लाना है, तो हम क्या करेंगे, एल्ट शिफ्ट और टी प्रेस कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। अगर हमको डेट लाना है तो एल्ट शिफ्ट और डी प्रेस कर देंगे तो डेट आ जाएगा। अब देखिए, कई बार आप कोई वर्ड टाइप करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पे दूसरा टेक्स्ट आ जाता है। तो उसको हम कैसे सेट करते हैं और कैसे उसको हटाते हैं ये आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर जाएंगे और यहाँ पे प्रोफिम में जाके ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे मानिए हम चाहते हैं ये प्रेस करें तो ऑटोमेटिक हमारा नाम लिख दे, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नाम टाइप कर देंगे। यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और इसको ऐड करके ओके कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। अब देखिए, जो ही हम यहाँ पे ये टाइप करेंगे और दूसरा शब्द लिखने की कोशिश करेंगे, चाहे स्पेस देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा नाम लिख देगा। अब हम चाहते हैं कि इसको सही करें। अब देखिए, कहीं भी ये समस्या आएगी, जो ही हमें प्रेस करके इंटर करेंगे या स्पेस करेंगे या दूसरा शब्द लिखने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये लिख के जो ही हम स्पेस देंगे तो नाम आ जाएगा। तो अब हम क्या करना है, हम चाहते हैं कि इसको सुधार कर लें, तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे, कस्टमाइज भी कॉलम में जाएंगे और प्रूफी में जाके ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये करेंगे और यहाँ देखिए वो डिटेल्स आ जा रहा, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ओके कर देंगे, अब देखिए हम ये लिखेंगे और स्पेस करेंगे तो नाम नहीं आएगा। तो इससे कई बार हमको परेशानी भी होती है कि कई बार पहले से कोई सेट कर दिया होता है और जो ही हम कोई कैरेक्टर टाइप करते हैं और स्पेस करते हैं तो कुछ अलग टेक्स्ट आ जाता है। तो इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं और यहाँ से पहले से जो सेट किए गए डाटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगले टेक्स्ट के रूप में मानिए हमने कोई लेटर लिखा, हम लेटर के रूप में कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करा लेते हैं और आप देखे होंगे कि उसमें हमको नीचे लिखना होता है राइट साइड में। तो अगर हमको ऐसा करना होता तो हमको स्पेस करना और इंटर करके फिर स्पेस करके वहाँ तक जाना होता, लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्ट टेक्स्ट वहीं पर लिखें। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमको लिखना होगा वहाँ पे हम लगातार 2 बार क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप।